हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंडियन ग्रेवी। इंडियन ग्रेवी मींस जो हमारे इंडियन किचन में बेसिक ग्रेवी बनती है और जो आप रेस्टोरेंट में जाते हो और खाते हो, फिर देखते हो कि ये कैसी ग्रेवी है, ये किस कलर में बनी हुई है, इसका जो है रेसिपी क्या होगी, इसके मेथड क्या होंगे। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो बिल्कुल सिंपल वे में बनाती हूँ, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, जो इंडियन बेसिक ग्रेवी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक ग्रेवी आती होगी तो आप कोई भी रेसिपी इंडियन में बना सकते हैं। अगर आप इंडियन किचन के लिए जा रहे हो एक शेफ के लिए, तो आप जो है कोई सी भी रेसिपी बना सकते हो। आपका जो बेसिक क्लियर होगा, बेसिक क्लियर मीन्स अगर आपको बेसिक ग्रेवी आती होगी, ये 6 तरह की ग्रेवी होती है, तो मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस ग्रेवी को अगर आपको बनाना आ गया तो आप कोई भी रेसिपी बना सकते हो, और कुछ भी आप इंडियन किचन में कुछ भी खेल सकते हो। खेलना मीन्स कि आप जो है कुछ भी बना के आप प्रेजेंट कर सकते हो, और कुछ भी एक उसका स्पेसिफिक नेम दे सकते हो एक रेसिपी का। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेवी, जो आपने हर जगह देखी होगी, वाइट ग्रेवी। वाइट ग्रेवी मीन्स जिसको हम जैसे कहते हैं ना कोरमा बनाया है, और या फिर हमने जो वाइट, आपने कई तरह की, आपने अफगानी चिकन देखा होगा, अफगानी पनीर देखा होगा जो वाइट कलर में होता है, तो उसमें वाइट ग्रेवी का इस्तेमाल होता है। और हम बात करते से इंडियन में आपने खाया होगा कोरमा जो वाइट कलर का होता है। आप सोचते होंगे कि अफगानी चिकन भी जो है वो वाइट में बनी है और कोरमा भी वाइट में, ऐसा क्यों? बट उसकी बेसिक जो है ग्रेवी वो सेम है, उसको अलग तरीके से कुछ अलग तड़का दे दिया गया है, कुछ अलग तड़का दे दिया गया, बट ग्रेवी जो सेम है वाइट। तो वो बनती कैसे है उसको मैं सिंपल आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। वाइट ग्रेवी में इस्तेमाल होता है अनियन एंड क्रीम कर्ड, इसका इस्तेमाल होता है। इसमें रेड चिल्ली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, सॉल्ट एंड पेपर का इस्तेमाल होता है। बाकी कुछ भी तड़का मार के उसमें कुछ भी हम एक रेसिपी बना सकते हैं और वाइट की बना दी, तो व्हाइट ग्रेवी की ये हमारी बेसिक व्हाइट ग्रेवी होती है। इसमें टमाटर एंड रेड चिल्ली एंड टर्मरिक पाउडर किसी को भी इस्तेमाल नहीं करते, ओनली सॉल्ट एंड पेपर, अनियन एंड क्रीम एंड कर्ड इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड, मखनी ग्रेवी। आपने हर जगह बटर चिकन खाया होगा, बटर पनीर खाया होगा, जो एकदम ऑरेंज कलर में जो होता है, तो आपने ये सब खाया होगा। तो आप सोचते होंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसका जो मेन है, जैसे आपको पता ही चल रहा होगा, बटर, मखनी, पनीर, या फिर आपको जैसे आप खाने जाते हो बटर चिकन, तो इसका मतलब बटर इसमें खूब ज़्यादा डला हुआ है। और इसका जो कलर जो रेडिश कलर में आता है, तो वो जो है टमाटर से आता है। तो इसमें जो मेन इन्ग्रीडियंट्स जो है वो है टमाटर एंड बटर। तो इससे ही हमारी जो है मखनी ग्रेवी बनती है। मखनी ग्रेवी से हमारा ये जो है रेसिपी बनती है, बटर चिकन, मखनी पनीर, तो ये सब हमारी बनती है। तो अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड, जो हमारी होती है ग्रीन ग्रेवी। ये ग्रीन ग्रेवी कौन सी होती है, अब आप सोच रहे होंगे। तो ग्रीन ग्रेवी, जैसे हमारे स्पिनच को बॉयल करके इसको पीस के जो हम बनाते हैं उसको ग्रीन ग्रेवी कहते हैं। और इसमें जैसे पालक पनीर हो गया ग्रीन, अब हम जैसे पालक के अंदर चिकन भी डाल सकते हैं, तो उसमें जो है जैसे पालक की ग्रेवी डाल दी और चिकन डाल दी, तो ग्रीन चिकन हो गया, हरियाली चिकन हो गया। तो ये सब जो है इससे बनती है। अब हम बात करते हैं नंबर फोर की, वो है हमारी जैसे कढ़ाई, कढ़ाई मसाला जो होता है, कढ़ाई ग्रेवी, वो कैसे बनती है उसके मैंने इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। जैसे आप कढ़ाई पनीर खाते होंगे, कढ़ाई चिकन खाते होंगे, तो इसमें जो है मैन इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें 1 अनियन एंड 2 टमाटर एंड जो उसके अंदर जो यूज होते हैं कैप्सिकम एंड उसके अंदर होता है कोरिएंडर लीव्स का इस्तेमाल करा जाता है, और साथ के साथ ड्राई कोरिएंडर सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कढ़ाई ग्रेवी कहते हैं। तो ये बेसिक बना के रखते हैं होटल के अंदर, तो जब भी कोई ऑर्डर आता है तो फटाफट से इसको हम बना देते हैं। और इसमें हम जो कैप्सिकम की स्लाइसिस हो गई, और उसकी जो है जैसे डायमंड कट में हमने काट लिया कैप्सिकम को, और हमारे जो है अनियन हो गए, टमाटर हो गए, और टमाटर के सीड्स निकाल के
उनको डाला जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की, येलो ग्रेवी। तो अब आप सोच रहे होंगे येलो ग्रेवी तो सिंपल है, प्याज टमाटर वाली जो हम घर में बनाते हैं। नहीं, ये भी अलग है। क्या इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जैसे आपने येलो सब्जी खाई होगी, एग करी खाई होगी, वो येलो कलर की होती है, तो आप सोचते होंगे कुछ भी इसमें जैसे टमाटर प्याज हल्दी जो है ये सब डाल दिया है। नहीं, इसका भी अलग मेथड है, अलग इसके इंग्रेडिएंट्स है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ, वो है आप आनियन लेते हैं, आनियन को बॉईल करते हैं और इसके अंदर जो इस्तेमाल करते हैं टर्मरिक पाउडर हो गया और अनियन बॉईल करके और काजू, काजू का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर जो काजू है वो डाले जाते हैं और अनियन बॉईल करके और उसको पीस के और फिर इसके अंदर टर्मरिक का इस्तेमाल होता है, जिससे एक येलो ग्रेवी बना दी जाती है। तो इसको कहते हैं येलो ग्रेवी। अब हम लास्ट बात करते हैं अपने लास्ट जो हमारी है कोफ्ता ग्रेवी, नंबर 6 की बात कर रही हूँ मैं, वो है कोफ्ता ग्रेवी। अब आप सोच रहे होंगे कोफ्ता ग्रेवी कैसे, जैसे हमने लौकी के कोफ्ते खाए होंगे, हमने चिकन के कोफ्ते खाए होंगे, हमने मटन के कोफ्ते खाए होंगे, उनकी जो कलर आपने देखा होगा, आप ब्राउन ग्रेवी भी कह सकते हैं। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उनका भी मेन इन्ग्रीडियंट्स है वो है अनियन। अनियन जो है अनियन को जैसे पहले उसको सोते क्या है लाइट ब्राउन कलर करा और लाइट ब्राउन करने के बाद उसको निकाल लेते हैं अनदर प्लेट में, फिर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, जिससे वो है ग्रेवी बन जाती है। हम कोई भी जैसे कुछ भी तड़का लगा दे, लहसुन टमाटर प्याज किसी का भी लगा के और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं और हल्का सा टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा टमाटर नहीं डालते और उसमें डालते हैं अनियन पेस्ट, ब्राउन अनियन पेस्ट, जिससे कलर जो आता है ब्राउन कलर आता है और बनती है हमारी कोफ्ता ग्रेवी। तो अब मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन सी हमारी ग्रेवी होती है। हमारी होती है वाइट ग्रेवी, येलो ग्रेवी, रेड ग्रेवी, हरियाली ग्रेवी, ब्राउन ग्रेवी। तो ये सब होती है, जैसे मैंने अलग अलग नाम दिए हैं हमारी वाइट ग्रेवी में, जैसे मुगलई ग्रेवी भी हम वाइट ग्रेवी को कहते हैं, जिसमें इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया होता है कर्ड, क्रीम, अनियन एंड उसके अंदर मगज एंड काजू भी डालते हैं। तो ये सब उसमें डालते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा हमारी बेसिक ग्रेवी कौन कौन सी होती है। तो मैंने आज आपको 6 ग्रेवी बताई। अगर आपको ये 6 ग्रेवी के मेथड पता चल गए, कैसे बनाया जाता है प्रैक्टिकली एंड थ्योरी आपको पता चल गई, तो आप इंडियन किचन में कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी, जितनी भी आइटम है कुछ भी बना के उसका एक स्पेसिफिक अपना खुद से भी एक नेम रख सकते हो किसी भी रेसिपी का। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।